हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हतीम टेक न्यूज़। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज हमारे पास कुछ स्मार्ट वॉचेज हैं की सिलेक्ट की, जो कि हम रिव्यू भी करने वाले हैं और गिव अवे भी करने वाले हैं। तो मेरे पास ये तीन स्मार्ट वॉचेज हैं, दो आई थिंक मेरे पास के 11 हैं और एक हमारे पास ये KR स्मार्ट वॉच है, जो कि कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। बहुत कम होता है कॉलिंग स्मार्ट वॉचेस हमें मिले पाकिस्तान के अंदर और कम प्राइजेस के अंदर, क्योंकि ये कॉलिंग स्मार्ट वॉच भी आई थिंक अंदर 10,000 रुपीज़ आ रही है, 10,000 रुपये के पास इसकी प्राइस है। और जो K11 है ये भी काफ़ी ज़बरदस्त स्पेक्स के साथ आती है, 1.39 इंचेस एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे मिल रहा है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर्स भी दिया गया है। तो बाकी क्या फीचर्स मिल रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस है, बैटरी टाइमिंग वगैरह, वो इस वीडियो में चलकर डिस्कस करते हैं। तो दो अलग अलग वीडियो बनाएंगे, एक हम K11 पे वीडियो बनाएंगे और एक हम KR पे वीडियो बनाएंगे और एक हमारे पास ये गिव अवे की होने वाली वॉचेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, पहले हम आई थिंक के कॉलिंग वॉच को लेकर चलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉलिंग वॉच की डिमांड होती है इस टाइम पे। अंडर 10,000 रुपीज़ के अंदर एक कॉलिंग वॉच आपको मिल रही है, जिसमें आपको ग्लोबल 3rd 2-in-1 चिप यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बारे में बता दूँ डिटेल में क्या होती है 2-in-1 चिप। और ये तीसरे नंबर की इन्होंने नाम दिया है, क्योंकि एप्पल और सैमसंग के बाद ये की सिलेक्ट की पहली स्मार्ट वॉच है जिसके अंदर कॉलिंग फीचर आपको मिल रहा है, जो कि 2-in-1 चिप के साथ दिया गया है। इसके अलावा चाइनीज आती हैं, लेकिन जो डिफरेंस है 2-in-1 चिप का वो आगे चल के आपको बताता हूँ। बाकी भी काफ़ी ज़बरदस्त के अंदर फीचर्स मिल रहे हैं, वीडियो फोन कॉल्स हैं, सेमी एमोलेड डिस्प्ले है, 70 स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं, वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन है, म्यूजिक प्लेयर का है, पासवर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पे मिल रही है और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, हार्ट रेट मॉनिटर, SP02 मॉनिटरिंग मिल रही है, स्ट्रेस मिल रहा है। तो चल के देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर लें, ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये बॉक्स हमारे पास की सिलेक्ट KR वॉच का कॉलिंग वॉच KR नीचे की साइड पर मेंशन है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ग्लोबल 3rd 2-in-1 चिप कॉलिंग मैगी इजर। और बैक साइड पे यहाँ पे देखें तो BT फोन कॉल्स लिखा हुआ है, ब्लूटूथ फोन कॉल्स है, 1.3 इंच सेमी एमोलेड डिस्प्ले है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, 70 स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं। और दूसरी साइड पर अगर हम देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिल रहा है, म्यूजिक प्लेयर है, पासवर्ड प्रोटेक्शन दी गई है। बैक साइड पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी गई हैं, स्लीप मॉनिटरिंग मिल रही है, हार्ट रेट मॉनिटर है, SP02 मॉनिटरिंग मिल रही है, ब्रीथ ट्रेनिंग है, स्ट्रेस इन इमोशन टेस्ट है, वाटरप्रूफ मिल रहा है, IP68 की वाटरप्रूफ मिल रही है, स्लिम मेटल बॉडी है, कस्टमाइज डायल का ऑप्शन है, 30 डेज का स्टैंड बाय टाइम मिल रहा है, बिल्ट इन गेम्स हैं इसके अंदर, वेदर फोरकास्ट, कैलकुलेटर और कंपेटेबल विद एंड्रॉयड एंड iOS दोनों में यूज़ कर सकते हैं आप। रियलटेक 8763E की चिपसेट यूज़ की गई है, जो कि ग्लोबल 3rd चिपसेट है, यानी इससे पहले आईफोन और सैमसंग की वॉचेस के अंदर हमें चिपसेट देखने को मिलती थी। और 3rd ये की सिलेक्ट ने यूज़ की है इस स्मार्ट वॉच के अंदर, जो कि बहुत कम प्राइस के अंदर, क्योंकि आप देखो पता है आईफोन की जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं और सैमसंग की हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। तो की सिलेक्ट नहीं है, अंडर 10,000 रुपीज़ के अंदर आपको दे दी है। और इसके अंदर आपको सिर्फ स्मार्ट बैंड वाले फीचर्स नहीं मिल रहे, बल्कि कॉलिंग फीचर भी मिल रहा है, जो कि एक हाई लेवल की एक्सपेंसिव फीड स्मार्ट वॉच के अंदर मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले रैपिंग उतारते हैं इसकी और इसको निकाल लेते हैं बॉक्स से बाहर। और यहाँ पे सबसे ऊपर हमारी वॉच रखी हुई है, स्मार्ट वॉच, इसको हम निकाल के देखते हैं। ज़बरदस्त, इसके जो फर्स्ट हैंड फील है वही काफ़ी ज़बरदस्त है और मेटल फ्रेम है डिवाइस का। तो सबसे पहले इसका ये रैपिंग उतार लेते हैं, बिल्ड क्वालिटी आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है, मेटल फ्रेम है, प्रीमियम फील हो रही है। उसको यहाँ से करना है, कवर से निकालना, यहाँ पे आप देख सकते हैं की सिलेक्ट का लोगो आ गया है। जब तक स्मार्ट वॉच हमारी ऑन हो रही है, वो उतनी जल्दी ऑन भी हो गई, काफ़ी फास्ट है। तो अभी डिटेल में इसको चेक करते हैं, पहले हम देखें बॉक्स का हमारे पास मज़ीद कंटेंट क्या क्या है। और ये हमारे पास यूज़र मैनुअल है,
जिसमें डिटेल में बताया गया है किस तरह आपने यूज़ करना है की सेलेक्ट की स्मार्ट वॉच को, और अगर आप कहीं फंसते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरह से ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, किस तरह से आपने कॉलिंग करनी है, किस तरह से डायल चेंज करने हैं, तो सारी चीज़ें इसके अंदर एक डिटेल आपको मैनुअल दिया गया है। इसके अलावा एक चार्जिंग ब्रिक मिल रही है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ चार्जिंग केबल मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दी गई है, जिस तरह तमाम स्मार्ट वॉचेस के अंदर हमें मिलती हैं उसी तरह की एक मैग्नेटिक चार्जिंग केबल दी गई है। किसी भी ब्रिक के साथ आप उसको इसको कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी स्मार्ट वॉच की तरफ। ये एक्सेसरीज हमें मिल रही हैं बॉक्स के अंदर। अब हम डायरेक्टली स्मार्ट वॉच की तरफ आते हैं और उसके फीचर्स देख लेते हैं। जो ऊपर के आप यहाँ ब्लैक स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो ऊपर की साइड है वो थोड़ी सी बॉडी से बाहर है, कर्व्ड है और बहुत खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले ही हो, लेकिन इन्होंने नाम दिया है सेमी एमोलेड डिस्प्ले है। और ब्लैक कलर के अंदर जब ये ब्लैक है ऑफ स्क्रीन पे तो फुल यहाँ पे स्क्रीन आपको लग रही है, लेकिन जब आप इसको ऑन करते हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे बेजल्स नज़र आएंगे, बहुत कम बेजल्स हैं, लेकिन ब्लैक स्क्रीन के ऊपर फुल डिस्प्ले लगता है जो कि बहुत खूबसूरत लुक देता है। और अगर मैं करीब से दिखाऊँ यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल बॉडी है और फिनिशिंग बहुत खूबसूरत है, प्रीमियम फील हो रही है ये स्मार्ट वॉच। इसके अलावा बैक साइड पर यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग के लिए दिए गए सेंसर्स जो कि मैग्नेटिक सेंसर्स हैं, चार्जर से कनेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे सेंसर्स दिए गए हैं, हार्ट रेट मॉनिटर के सेंसर्स हैं, और इसके अलावा साइड पे दो बटन्स मिल रहे हैं आपको, और उसको किस तरह वर्किंग करते हैं वो भी हम चेक करेंगे डिटेल में। इसको मैं अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट भी कर लेता हूँ और फिर आपको डिटेल में बताता हूँ किस तरह फीचर्स हैं, किस तरह काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को तरीका पता है, बहुत इजी है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं, और फिर हम उसके बाद रैंडम कमेंट पिकर के थ्रू एक विनर सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वॉच को कनेक्ट कर लिया है अपने स्मार्टफोन के साथ, और इसकी जो ऐप आती है ग्लोरी फिट के नाम से, प्ले स्टोर में मिल जाएगी आपको इजीली। ऐप इंस्टॉल करें ग्लोरी फिट के नाम से, उसके बाद इसमें कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के साथ। अब इसने नोटिफिकेशंस भी देना शुरू कर दिया आप देख सकते हैं, और इसका राइट साइड मेन्यू जाता है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं पूरा मेन्यू डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग स्टेटस, फोन, हार्ट रेट, स्लीप, SP02, वेदर, म्यूजिक, मैसेजेस, अलार्म क्लॉक, प्रेशर, मूड, ब्रीथ रेट, ब्रीथ, गेम, AI वॉइस फंक्शन, सेटिंग, बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। और सेटिंग में अगर मैं जाकर देखूँ तो यहाँ पे डायल का आपको ऑप्शन मिल रहा है, थीम, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, साउंड, इन्फो, ऑफ, रीसेट, QR कोड, पासवर्ड, पासवर्ड प्रोटेक्शन भी आपको दी गई है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं ब्राइटनेस देखता हूँ, ब्राइटनेस हमारे पास कितनी हुई है इस टाइम पे, ब्राइटनेस काफ़ी कम है, और अगर मैं फुल करूँ ब्राइटनेस को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ब्राइट हो गई है डिस्प्ले। हालांकि एमोलेड नहीं है, सेमी एमोलेड डिस्प्ले है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ब्राइट लग रहा है। तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम ही कर देते हैं इसको ताकि कैमरा स्क्रीन में इजीली नज़र आ जाए। और बैक आते हैं दोबारा से, अब मैं आपको दिखाता हूँ जो उसके फीचर्स मिल रहे हैं इसकी ऐप के ऊपर, ग्लोरी फिट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मार्ट फेचेज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं काफ़ी सारे, जिसको आप चेंज कर सकते हैं और ये अपडेट भी हो सकते हैं। इसके अलावा आप कस्टम डायल भी कर सकते हैं डाउनलोड करके, और यहाँ पे अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे डायल सेंटर के अंदर जो स्मार्ट वॉचेस दिए गए हैं। आपने देखा यहाँ पे नोटिफिकेशन जो आया था वो यहाँ पे मेरे पास वॉच पे भी आ चुका है, व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप भी कुछ फेसेस नज़र आ रहे होंगे आपको, जो कि अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसमें बिल्टन जो आता है इसका अपना ये फेस आता है, लेकिन इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डायल सेंटर के अंदर ये सारे फेसेस देखने को मिल जाएंगे जो कि आप इसमें चेंज कर सकते हैं। माई डायल के ऑप्शन में आप यहाँ पे डाउनलोड करके कस्टम डायल पे थोड़ा सा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह लगानी हो। इसके अलावा हार्ट रेट मॉनिटरिंग है, ब्लड ऑक्सीजन सेटिंग है, इमोशनल स्ट्रेस, कॉल रिमाइंडर मैंने ऑन कर दिया, SMS रिमाइंडर ऑन कर दिया है, ऐप रिमाइंडर के अंदर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस ऐप का आपको रिमाइंडर चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जीमेल, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशंस को ऑन कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास रेज हैंड टू एक्टिव डिस्प्ले का ऑप्शन भी है, जब आप इसको वेयर करते हैं हाथ पे तो उसके बाद ऐसे स्क्रीन होती है और फिर आप इसको अपने तरफ देखते हैं, ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑन हो जाता है जैसे कि अभी हुआ। और इसके अलावा डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन है, यूनिवर्सल सेटिंग है। स्पोर्ट्स मोड के अंदर यहाँ पे आपको दिखाएगा वॉकिंग, आउटडोर, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं इसके अंदर, तकरीबन 70 स्पोर्ट्स मोड दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता भी हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं रनिंग, ट्रेडमिल, वॉकिंग, स्किपिंग, टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मिल रहे हैं, और तकरीबन 70 स्पोर्ट्स मोड का नाम दिया है यहाँ पे। अभी हम इसके कॉलिंग फीचर्स को भी चेक कर लेते हैं, कॉल करके कैसी मिलती है कॉल, और साउंड कैसा होता है, साउंड कैसे कॉल के अंदर माइक कैसे काम कर रहा है, स्पीकर कैसे काम कर रहा है, ये चीज़ें भी चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको डायल किया है अपनी स्मार्ट वॉच से, और स्पीकर क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मैं एक दफ़ा और डायल करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को सेंस नहीं किया इसके साथ, एप्पल इसके वॉच के साथ, तो अगर मैं कीपैड पे जाता हूँ और 300 डायल करते हैं, तो जैसे ही मैं यहाँ से डायल करूँगा इसको, आप देखिएगा यहाँ पे स्मार्टफोन पे मेरी डायलिंग शुरू हो गई है, और जो वॉइस है वो हमारे पास यहाँ, जो वॉइस आपको नज़र आई सुनने में आई, ये हमारी वॉच की तरफ से आई थी, फ़ोन से नहीं आई थी। तो स्पीकर काफ़ी ज़बरदस्त है, आप इजीली इसको बाहर भी आउटडोर भी कॉल अगर आपके आती है रिसीव करके आप इजीली बात कर सकते हैं, और डायल अगर मैं इस पर मेरे फ़ोन पे कॉल आती है तो उसको देख लेते हैं किस तरह रिसीव कर सकते हैं और किस तरह से आपके पास स्पीकर होगा आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल आना शुरू हो गई है, तो इस कॉल को हम रिसीव करके देखते हैं अपनी स्मार्ट वॉच से, और मैं आपको साउंड भी चेक कराता हूँ। मेरे पास कॉल आ रही है, मैं यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकता हूँ, रिसीव भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें रिसीव किए, स्पीकर पर डाल देते हैं इसको, साउंड मेरे पास फुल है, और हेलो आवाज़ क्लियर आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली आप उससे कॉल पे बात कर सकते हैं, मैंने कॉल रिसीव की है और स्पीकर भी काफ़ी अच्छा है, ईज़िली आवाज़ आपको आ रही है बाहर, और माइक भी काफ़ी अच्छा है, इज़ वहाँ पे आवाज़ जा रही थी बिल्कुल ईजी। इसके अलावा यहाँ पे गेम मोड है, एआई असिस्टेंट फंक्शंस मैंने आपको जैसे बताया, और मैं गेम भी अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो बर्ड गेम और नंबर कास्ट की गेम आपको मिल रहा है। बर्ड गेम हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से चलता है, किस तरह प्ले होता है। अच्छा, ये बिल्कुल उस टाइप का गेम है जिस तरह हमें स्मार्ट फोन के अंदर खेलने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारी रिमेनिंग स्पेक्स लग गई हैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, यहाँ पे आपको वाटर रेजिस्टेंट भी मिल रही है IP68 की, तो आप इसको पूल में भी यूज़ कर सकते हैं, और मेटल बॉडी है। इसके अलावा यहाँ पे डायमेंशंस की बात करूँ तो 44 mm से लेके 12.1 mm के इसमें आपको डायमेंशन मिलते हैं। ब्लैक कलर है। डिस्प्ले के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर सेमी एमोलेड डिस्प्ले है, 1.32 इंच का डिस्प्ले मिलता है 360x360 रेजोल्यूशन के साथ। 2.5D यहाँ पे ग्लास की आपको हार्डनेस मिलेगी। और बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 280 mAh की बैटरी मिलती है, और जिसके अंदर बात करें बैटरी लाइफ की, तो अभी मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ, लेकिन जो कि बताया गया है अगर आप इसको हैवी यूज़ करते हैं हैवी सिनेरियो के अंदर, तो उसके अंदर भी तकरीबन 2 दिन का आराम से इसमें टाइम लगता है, चलाएगी आपको 2 दिन आराम से, और नॉर्मल यूज़ के ऊपर 3 दिन तक का टाइम आराम से निकल जाएगा इसके ऊपर। और अगर आप इसको बैटरी 7 mode पर चलाते हैं तो तकरीबन 10 दिन ईजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और चार्ज होने के टाइम की बात करें तो तकरीबन अप्रॉक्स 2 hours का इसमें चार्जिंग टाइम है, तकरीबन 2 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको सेंसर्स के बारे में बताया था, हार्ट रेट सेंसर है, वाइब्रेटर यहाँ पे मिल रहा है, कॉल आती है तो वाइब्रेट भी होता है, और इसके अलावा इसमें साउंड भी है, कॉल की आपको वॉइस भी आएगी, साउंड भी आएगा, इसके अलावा वाइब्रेशन भी होगी। काफ़ी सारे लैंग्वेज सपोर्ट करती है, स्पोर्ट्स मोड 70 में मिल रहे हैं, 18 language सपोर्ट करती है। तो एक ओवरऑल काफ़ी ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच है, जो कि आपका दोनों फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रही है, जो एक स्मार्ट बैंड के या स्मार्ट वॉचेज़ यूज़ करती हैं। इसमें कॉलिंग फीचर्स नहीं होता, और इसके अंदर कॉलिंग फीचर भी, अच्छा 2-in-1 चिप के बारे में आपको बताना मैं भूल गया, 2-in-1 चिप ये है कि एक ही चिप है जो कि ब्लूटूथ के जरिए डेटा भी ट्रांसफ़र कर रही है, और इसके अलावा वॉइस ट्रांसफ़र भी कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, यानी आप ब्लूटूथ से ही कनेक्ट करते हुए इसमें डेटा भी, व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस भी आ रहे हैं, कनेक्ट भी हो रही है, सेंसर्स भी काम कर रहे हैं, हार्ट रेट मॉनिटर भी, सारा कुछ डेटा यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है। इसके अलावा कॉल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो इसको 2-in-1 चिप कहते हैं, यानी 2 अलग अलग चिप नहीं लगाई गई इसके लिए, और एक चिप यूज़ की गई है जो कि कॉलिंग फीचर में भी काम कर रही है। इससे बैटरी इफिशेंट होती है, तकरीबन 30% बैटरी सेव होती है अगर 2-in-1 चिप यूज़ करते हैं। और जो दूसरी चाइना की स्मार्ट वॉचेज आती हैं उसके अंदर अलग अलग 2 चिप यूज़ की गई होती हैं कॉलिंग के लिए, और जो दूसरी ये डेटा ट्रांसमिट हो रही होती है उसके लिए, तो वो थोड़ी सी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, ये तकरीबन 30% बैटरी कम कंज्यूम करती है 2-in-1 चिप होने की वजह से। और सैमसंग आईफोन के बाद तीसरी ये वॉच है जिसके अंदर ये चिपसेट यूज़ की गई है, मुझे काफ़ी पसंद आई। आप लोग ये कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।